ब्रह्मोत्सव चल रहा है, 10 दिवसीय महोत्सव। इसके दौरान विद्युत विभाग ने जानबूझ करके विद्युत की कटौती की है, जो हमारी धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाती है। हमारे गोपीनाथ बाजार ब्रह्मकुंड क्षेत्र में छोटे छोटे बच्चे रंगोलियां बना करके अपने जो पैसे होते हैं जेब खर्च के, उनके पैसे बचा करके इतनी सुंदर आकृतियां बनाते हैं ठाकुर जी के, उसमें जिन्हें देखने के लिए नगर के सारे भक्त लोग आते हैं। और ऐसे समय में विद्युत बंद करना ये हमारी धार्मिक आस्था को निश्चित रूप से ठेस पहुंचाता है, और उन उभरती हुई प्रतिभाओं के लिए भी ये ठेस की बात है। हम इसका विरोध करते हैं। ये 10 दिन कम से कम लाइट की व्यवस्था 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक न जाए, ऐसा हम निवेदन भी करते हैं इनसे। ये बस यही हम कहते हैं। आपने कोई ज्ञापन वगैरह दिया है? हम अभी ज्ञापन देने के लिए सारे लोग आए हैं ब्रह्मकुंड, हम SDO साहब को दे रहे हैं ब्रह्मकुंड सेवा समिति की ओर से। एक बात ये बैठिए, बताइए कि हमारे यहाँ से इतना आपको अंदाजा होगा कि नहीं है, ऊपर से है, मैं पता कर इसके लिए। हाँ देख लीजिए, हमारे यहाँ से नहीं है। हमारे यहाँ का मतलब हमारे बिजली कल तो 132 में भी नहीं थी, 132 में नहीं, अब 132 में नहीं थी, हमारे यहाँ नहीं थी, आपने दिया, हम अभी लेटर इसका तुरंत मैं तो आपको बड़े अनुरोध करूँगा। ये सब लोग मेरे बड़े भाई चाचा ताऊ बच्चे सब आपसे अनुरोध कर रहे हैं। एक 160 के MVA का ट्रांसफार्मर गोकुल में रखा जा रहा है, और उसमें 100 की कैपेसिटी थी, वो बढ़ा करके 60 MVA कर रहे हैं। उससे थोड़ी सप्लाई हमारी ऊपर से ही इसी वजह से कुछ कर रही है, और मार्च चल रही है, जल्दी ही इसका निदान हो जाएगा। रही बात आपने जो ज्ञापन दिया है, तो उच्च अधिकारियों से इसको पहुँचाएंगे, अपना आपकी जो है बात करवा कर, और जो भी इसमें संभव प्रयास होगा।